press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. दोस्तों स्टेलर टेक पे हमने एक वीडियो बना के आपको इन्फॉर्म किया था कि शेयर को आपको बाय करना है 147 रुपीस के लेवल पे, और यकीन मानिए उसी दिन 143 का इसने लो बनाया और 143 से सीधा 168 तक आ गया। जिस दिन हमने बताया था उसी दिन ये सब कुछ आपके पास हुआ था, आपने देखा होगा 147 का लेवल हमने आपको दिया था कि बेस्ट बाइंग लेवल होगा। अगर आप बाय करना चाहें तो वहाँ पे बाय कीजिएगा, आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी होगी उस शेयर को वहाँ पे बाय करने की। जिन्होंने भी उस शेयर को वहाँ पे बाय किया था उनके लिए वो दिन बड़ा लकी था, एक ही दिन के अंदर 15-20% रिटर्न निकल के आए थे। और अब आज की डेट में ये शेयर 191 रुपीज़ पे आके खड़ा हो गया है, क्योंकि कल प्रमोटर्स ने इसके जो शेयर्स प्लेस थे वो सारे के सारे चुकवा लिए। तो एक बार इसकी न्यूज़ देखिए कि इसकी न्यूज़ क्या है, प्लेस शेयर्स छूट चुके हैं और ये कितना परसेंट बढ़ा है और आगे क्या हो सकता है। हमें एक्साइटेड होकर अभी ना तो बाय करना है ना सेल करना है, पहले देखिए कि जो मैंने टारगेट दिया था वो टारगेट 186-191 का था, वो भी कंप्लीट हुआ है, तो अब आगे की पॉसिबिलिटीज़ हमें क्या दिखती है। यहाँ पर ये न्यूज़ दिख रही होगी आपको, स्टेलर टेक्नोलॉजी सर्जेस 11% ऑन रिमूविंग एंटायर प्लेस शेयर्स प्लेज ऑन शेयर्स। अब आप देखिए शेयर जो है वो सारे के सारे प्लेज थे कंपनी के, वो सब के सब इनके प्रमोटर्स ने छुटवा लिए हैं, तो कंपनी का शेयर जो वो कल 11% तक बढ़ गया था। लेकिन अब आपको क्या लगता है कि अब भी ये सेम ऐसे ही इस तरीके से जो बढ़ा है वो वैसे बढ़ता रहेगा? तो इसके लिए आप चार्ट पे एक बार वापस देखिए कि चार्ट हमें क्या बोलता है। आज की डेट में अगर ये शेयर 191 है तो आगे चलकर ये कितना हो सकता है। इनके जो चेयरमैन है ग्रुप के अनिल अग्रवाल जी, उन्होंने क्या कहा है वो पढ़ लीजिए एक बार। वी आर एक्सट्रीमली एक्साइटेड अबाउट स्टेलर टेक्नोलॉजी लिमिटेड स्ट्रेटेजी पुश टुवर्ड द फ्यूचर ऑफ ग्लोबल डाटा नेटवर्क और रिसेंट न्यू टेक्नोलॉजी सोल्यूशन फॉर डाटा नेटवर्क्स आर वेरी इंकरेजिंग एंड हैव पोटेंशियल टू फंडामेंटली डिस्टर्ब द स्पेस। एज द फाउंडर एंड द लीड इन्वेस्टर ऑफ स्टेलर टेक्नोलॉजी लिमिटेड वी रिमेन बुलिश अबाउट आवर बिजनेस एबिलिटी टू क्रिएट डिसप्रोपोर्शनेट लॉन्ग टर्म शेयर होल्डर वैल्यू। तो वो खुद कह रहे हैं कि हमें इतना कॉन्फिडेंट हूँ, मैं बुलिश हूँ शेयर को लेकर, और मैं जानता हूँ कि कंपनी जो ग्रोथ कर रही है वो आगे जारी रहेगी, हम अच्छे प्रॉफिट भी बनाएंगे और शेयर होल्डर को अच्छी वैल्यू भी निकाल कर देंगे। अब आप देखिए कि कल के ट्रेडिंग सेशन में क्या होता है। कल के ट्रेडिंग सेशन में ये शेयर जो है गैप अप ओपनिंग होती है, जैसे ही न्यूज़ आती है कि जो प्लेस शेयर्स है वो प्रमोटर से छुटवा लिए हैं तो सारे के सारे रिलीज शेयर्स हो चुके हैं, तो अब इसमें गैप अप ओपनिंग होती है 190 रुपीस के लेवल पे। हाई बनाता है शेयर 194.40 का, लो बनाता है 183 रुपीस का और क्लोज होता है 191.50 पे, जो कि मैंने आपको पहले बताया था कि 186 से लेके 191 रुपीस तक ये शेयर जा सकता है। अगर आप चाहें उस वीडियो को देखना तो डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो का लिंक भी मिल जाएगा, जिस वीडियो पे मैंने आपको क्लियर बताया था 186 से 191 का टारगेट होगा, शेयर को आपको 147 के रुपीस पे बाय करना है। और अब क्या हो सकता है, अब जो मुझे पॉसिबिलिटीज दिख रही है उन पॉसिबिलिटीज में मुझे सबसे पहले दिख रहा है कि अगर 196 के ऊपर ये शेयर निकला, 196 के ऊपर शेयर निकलता है तो इसमें 217-18 रुपए तक जाने की संभावना होगी। 217 से 218 रुपीस यहां तक ये जा सकता है, 217 से 218 रुपीस अगर ये 196 के ऊपर निकलता है तो। लेकिन अगर ये शेयर 190 रुपीस के नीचे आता है, 190 रुपए के नीचे आने की शुरुआत करे क्लोजिंग बेसिस पे, तो आप समझ के चलिए कि शेयर जो है वापस आपको 170-175 रुपीस के लेवल दिखा सकता है। अगर ये शेयर 190 रुपीस के नीचे आए तो ध्यान रखिए 172-175 के लेवल आपको वापस देखने को मिलेंगे, बिकॉज देयर इज अ गैप अप ओपनिंग एंड द गैप फिलिंग इज नेसेसरी फॉर एनी काइंड ऑफ स्क्रिप्ट। और अगर ये शेयर 196 रुपीस के ऊपर क्लोजिंग बेसिस पे जाना शुरू करें तो समझिए 217 रुपए तक एक बार जाने की जो प्रोबेबिलिटी है, यानी एडिशनल 20 रुपए की तेजी इसमें वापस आ सकती है। अब एक बार इसके बॉलिंगर बैंड को देखिए, मैंने बॉलिंगर बैंड लगाया है जो सबसे भरोसेमंद इंडिकेटर होता है जब भी आपको कुछ समझ में ना आए ऐसी सिचुएशन में कि वॉलेटिलिटी होने वाली है अब शेयर में, वो दिख रहा है वॉलेटिलिटी बढ़ने वाली है शेयर में और हमारे पास गैप अप ओपनिंग है, ये शेयर बॉलिंगर बैंड की टेरिटरी क्रॉस कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये सब चीज़ें पकड़ने का यहाँ पर सबसे बढ़िया मौका हमारे पास है। थोड़ा मैंने इसको जूम कर दिया, अगर जूम करने के बाद आप देखें तो एक कैंडल देखिए किस टाइप की बनी है, एकदम ऐसी मामूली कैंडल बनी है जिसमें कि अपर शेडो कम है और लोअर शेडो ज़्यादा है, एक हैमर टाइप कैंडल है, अपर शेडो कम है लोअर शेडो ज़्यादा है, जहाँ पर नीचे से हमें बाइंग दिख रही है तो ऊपर से हमें एक प्रेशर दिख रहा है कि जो जिस प्राइस पे ओपन हुआ है उससे ज़्यादा पे हमें इसे क्लोज नहीं होने देना है, यानी कि यहाँ पर जो बुलिश और बियरिश ट्रेंड है दोनों में ही एक सॉलिड कन्फर्मेशन जो आना चाहिए वो सॉलिड कन्फर्मेशन हमारे पास नहीं है। लेकिन बॉलिंगर बैंड हमें दिखा रहा है कि शेयर जो है बॉलिंगर बैंड की टेरिटरी से बाहर जाने की कोशिश कर रहा है। अगर आज के ट्रेडिंग सेशन में यानी 12/6/2019 को अगर ये शेयर
ज़्यादा वॉलेटिलिटी नहीं दिखाता, यानी कि अगर एक रेंज में ट्रेड करता है जो कि मान लीजिए 2-4 रुपए की रेंज होगी, तो आप मान के चलिए कि शेयर में डाउन साइड आ सकती है। लेकिन अगर शेयर मान लीजिए 180 रुपये आता है फिर 195 जाता है, ऐसी अगर टेरिटरी दिखाता है, या मान लीजिए 200 रुपये जाता है फिर 193 रुपये आता है, यानी कि 5-6 रुपये से ऊपर का मूवमेंट दिखाता है, तो आप मान के चलिए कि शेयर में जो वॉलेटिलिटी बढ़ेगी तो बोलिंगर बैंड की टेरिटरी अपने आप बढ़ जाएगी, और बोलिंगर बैंड की टेरिटरी बढ़ने के साथ ही बोलिंगर बैंड की टेरिटरी के अंदर आ जाएगा, फिर हम कह सकते हैं कि नहीं अभी इसमें तेजी जो है वो जारी रह सकती है। लेकिन आज का ट्रेडिंग सेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। बाय द वे, मेरा जो पर्सनल ओपिनियन है वो मुझे कहता है कि एक बार जिन लोगों ने ले रखा है उनको प्रॉफिट बुक करना चाहिए, जिनका भी फंड 47 रुपीज पे लिया हुआ है, 170 रुपीज पे लिया हुआ, उनको एक बार प्रॉफिट बुक करके बैठ जाना चाहिए, क्योंकि आने वाले टाइम में शेयर वापस आपको 172-175 रुपीज के लेवल पे वापस अवेलेबल हो जाएगा, तो बेटर यही होगा कि हम वहां पर एक बार प्रॉफिट बुकिंग कर लें। आरएसआई की बात करूं तो आरएसआई 60 पे जा चुकी है, आरएसआई का 60 पे जाना और अब 70 तक जा सकती है, तो मान लीजिए एडिशनल 2-4 रुपये 5 रुपये की तेजी आपको और देखने को मिल जाएगी। लेकिन जिन्होंने ले रखा है उनको प्रॉफिट बुक करना ज्यादा फायदेमंद होगा, चाहे हमें आगे इसे और ऊपर के लेवल पे क्यों ना लेना पड़े, जिन्होंने अभी ले रखा है उनको प्रॉफिट बुक करना चाहिए, अदरवाइज आप बाद में रिग्रेट करते रह जाएंगे। अब चलिए एक बार दूसरे इंडिकेटर वो देखते हैं, वो हमें क्या इंडिकेट करते हैं। यहाँ अगर बात करूँ मैं एमएसईडी की, तो एमएसईडी का जब 147 का मैंने लेवल आपको दिया था, उस दिन एमएसईडी का क्रॉस ओवर जनरेट हुआ था, और उसके बाद में आप देखिए जैसे ही ब्लू लाइन रेड के ऊपर आई तो इसने जो है बड़ी तेजी दिखानी शुरू कर दी थी, तो वैसे ही ये शेयर बढ़ना शुरू हुआ था। लेकिन अभी गिरावट का संकेत कहीं नहीं दिख रहा है, तो गिरावट का संकेत एमएसईडी पे बिल्कुल भी नहीं दिख रहा। अगर एमएसईडी बोलेगी कि गिरावट आनी है तो यहाँ पर रेड लाइन जो है वो ब्लू लाइन को क्रॉस करके ऊपर जाएगी, तो अभी भी यहाँ पर जो डिफरेंस है उससे लगता है कि अभी एडिशनल तेजी इसमें बची है। जो तेजी मैं आपको बता रहा हूँ, अगर वो तेजी 217 तक जाती है तो हो सकता है कि ये शेयर यहाँ पर आपको जो बुलिश ट्रेंड है वहाँ से बीरिश ट्रेंड में होता हुआ कन्वर्ट दिख जाए, लेकिन फिलहाल अभी ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा है। एमएसईडी के हिसाब से ये शेयर अभी ऊपर और जा सकता है, थोड़ा ऊपर जाने की संभावना इसमें और दिखती है। अब चलिए दूसरे इंडिकेटर पर और ईएमएस पे देखते हैं एक बार, ईएमएस से हमें क्या दिखाते हैं। यहाँ पर मैंने आपको एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लगा के दिखाएं और मैंने बोलिंगर बैंड को हाइड कर दिया है। एक बार एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज देखिए, 9 डेज़ का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 176 रुपये 70 पैसे, और 21 डेज़ का भी सेम है। 50 डेज़ के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे शेयर खड़ा है जो कि 190 रुपीज़ है, और 100 डेज़ का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज आ रहा है 216 रुपये, जिसके बारे में मैं बार बार बात करता हूँ कि 100 डेज़ का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पिछले पास्ट में भी इसने टच किया होगा। ये देखिए 100 डेज़ के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को टच करके यहाँ से घूम गया, तो अब जो 216-17 का लेवल मैं बता रहा हूँ, हो सकता है शेयर आपका वो लेवल टच करता हुआ दिखे। अब यहाँ पर एक कन्फर्मेशन हमें मिल रहा है कि यहाँ पर थोड़ी तेजी और बरकरार रह सकती है, तो यहाँ पर हमारे ओपिनियन ये होने चाहिए कि 50% प्रॉफिट हमें बुक कर लेना चाहिए, 50% के लिए वेट करना चाहिए विद ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ऑफ 190 रुपीज़। आप 190 का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखिए और 50% जो अपनी पोजीशन है वो होल्ड करके, बिकॉज 100 डेज़ का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज मुझे 217 रुपये के आसपास दिख रहा है। इसने पास में भी 100 डेज़ के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को टच किया है गिरावट के बाद और वहाँ से वापस घुमा है, तो मुझे लगता है ये शेयर यहाँ तक वापस जा सकता है। 216-17 रुपये इसके आसपास आपको वापस लेवल देखने को मिल सकते हैं एज पर एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज चार्ट, मुझे ये संकेत दिख रहे हैं। और अगर 200 डेज़ की बात की जाए तो वो काफ़ी ऊपर है 252 रुपीज़, तो 252 तक जाना अभी फिलहाल मुझे ऐसी कोई संभावना इसमें दिखती नहीं है। तो ये इंडिकेटर भी हमारे पास काफ़ी अच्छा मिला है कि हम अब 100 डेज़ के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को वैल्यू दे सकते हैं। एक क्लियरिटी हमें इस पिक्चर में देखने को मिली है। 50% प्रॉफिट बुक कीजिए, 50% प्रॉफिट को रोक के रखिए 216 के टारगेट के लिए, और अपना स्टॉप लॉस रखिए 190 रुपीज़ क्लोजिंग बेसिस पे, क्योंकि अगर 190 रुपीज़ के नीचे आया तो आपको 172 रुपीज़ देखने को मिलेंगे टारगेट, और 175 रुपीज़ के आसपास ये आपको शेयर बहुत जल्द अवेलेबल भी हो जाएगा। तो दोनों ही तरफ की संभावनाएं हैं, लेकिन ज़्यादा क्या है कम क्या है हमें इस चीज़ के बारे में बिल्कुल भी कन्फर्मेशन कभी नहीं हो सकता। हमें सिर्फ ये रखना है कि अपनी स्ट्रेटेजी ऐसी हो कि चाहे शेयर इस दिशा में मूवमेंट करे या उस दिशा में मूवमेंट करे, कोई भी डायरेक्शन में मूवमेंट कर जाए, हमारी जो स्ट्रेटेजी है वो ऐसी होनी चाहिए कि हम उसमें किसी न किसी तरीके से पैसा बनाए लें। ये हमारे सामने अब है स्टार्टर टेक का मंथली चार्ट, तो मंथली चार्ट पे आप देखिए कि इसने जो लो बनाया था इस मंथ में वो 143 रुपीज़ और 80 पैसे का लो बनाया था, और इस मंथ में जो है ये वापस जो है लो बनाया है इसने, वो लो बनाया है ₹168.60 का, और अब हाई बना दिया है आज 194 रुपीज़ का। तो इससे ऊपर का हाई बनेगा या नहीं बनेगा इस मंथ में वो हमें क्लियर पिक्चर हो जाएगी 1-2 दिन के अंदर ही। तो अब उम्मीद ऐसी है कि यहाँ पर जो प्रोसेस है, पिछले कितने महीनों से गिर रहा था, ऑलमोस्ट 7 महीने से कंटिन्यूस मंथली चार्ट पे डाउन साइड तो थी, वो इस महीने में कुछ पॉजिटिव निकल के आई है। तो 7 महीने के बाद एक डाउन साइड अगर पॉजिटिव निकल के आ रही है तो मैं इस शेयर के लिए एक अच्छा संकेत मानता हूँ। और ये भी देखें कि पिछले 2 महीने में इसने बार बार जो है 190 रुपीज़ के ऊपर की लेवल टच किए हैं, 190 रुपीज़ के आसपास इसने जो बार बार है आना जाना अपना मेंटेन रख। इसमें मंथली क्लोजिंग जो है वो भी 173 रुपये के नीचे अभी तक एक बार भी नहीं आई है, तो पॉसिबिलिटीज़ दिखती है कि शेयर में जो है
पहली बार 7 महीने में एक ऐसा कैंडल बना है मंथली चार्ट पे जो कि हमें इंडिकेट करता है कि इसमें तेजी जो है वो बनी रहनी चाहिए। तो उम्मीद कीजिए कि इस मंथ में भी इसमें तेजी बनी रहे और हम आगे अच्छा पैसा कमा सके, लेकिन अपनी स्ट्रेटेजी ऐसी रखिए कि हम दोनों साइड में सेफ जोन में रहें और सेफ गेम खेल पाए। तो दोस्तों आज का था ये वीडियो स्टडी टेक पे, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक करके मैं इंकरेज कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में डालिए और डिस्क्रिप्शन पढ़ना ना भूलिए, डिस्क्रिप्शन में आपको काफ़ी अच्छे लिंक मिलेंगे, चाहे वो ज़ीरोधा के थ्रू अकाउंट ओपनिंग का हो या हमारे प्रीवियस वीडियोज़ का हो। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, मुलाकात करते हैं आज आपसे अगले वीडियो में। बहुत प्रेस द बेल आइकन ऑन YouTube एंड नेवर मिस अनदर अपडेट।